आज अपना रहे हैं हम मलाई कोफ्ता, बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम मसालों में बनाकर इसे तैयार करेंगे हम। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हम पनीर ले लेंगे और ये 5 ब्रेड के पीस लिए मैंने, 500 ग्राम ही पनीर लिया है। इसमें से हम थोड़ा सा, एक छोटा सा टुकड़ा निकाल देंगे, बाद में इसे यूज़ करेंगे। अब इन सभी को हम जल्दी से मिक्स करने के लिए एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। पहले हम ब्रेड को डाल देंगे, इसका हम क्रम्स बना लेंगे। वो मेरा जार छोटा था तो मैंने बड़े में डाल लिया। आप पनीर को हम सीधा नहीं डालेंगे, इस तरह से पहले इसे ग्रेट कर लेंगे ताकि जब हम मिक्सी के जार में डालें तो अच्छे से डो बन जाए इसकी, बहुत ही अच्छी स्मूथ सी। तो हमें इस तरह करने से हाथ से मसलने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले हम ये 2 से 3 हरी मिर्ची डाल देंगे। इसे हम 2 टुकड़े करके डाल दिया। थोड़ा सा हमने नमक डाला और इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, बस ये पनीर डाल देंगे। इसको हम कुछ देर तक, 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे ऐसे मैश करने में, एक स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे हम एक प्लेट में डाल लेते हैं। ये देखिए, इसे हमें हाथ से ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये बहुत ही स्मूथ बैटर बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल भी प्लेट में नहीं चिपक रहा और ना ही हाथों में चिपक रहा है। इसमें से पनीर में घी होता है वो लीज हो गया। आप इस तरह के हम छोटे छोटे एक नींबू के आकार के ऐसे गोले बना लेंगे। मैंने सारे गोले बना के तैयार कर लिए। अब इनको हम फ्राई करेंगे। मैंने फ्लेम पे पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब फ्लेम को थोड़ा सा मैंने कम कर दिया क्योंकि बहुत हाई फ्लेम में डालेंगे तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से नहीं पकेंगे। इस तरह एक एक करके सारे कोफ्ते जितने आएंगे एक बार में डाल देंगे, एक साथ ही इकट्ठे नहीं डालने, फिर आपस में चिपक जाएंगे या फिर ये फट जाएंगे। ऐसे एक एक करके ही डालते रहें। अब इसे 1 से 2 मिनट तक नहीं हिलाना, जब नीचे से थोड़ा सा ब्राउन होने लगे तो इसे ऐसे फोक की मदद से इसकी साइड चेंज कर देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मीडियम कर दिया। इसे ना ही हाई फ्लेम पे बनाएंगे ना ही लो फ्लेम पे। अगर लो में बनाएंगे तो ये फट जाएंगे और हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, डार्क कलर के हो जाएंगे। अब जो पहले बन चुका है उसे निकाल लेंगे हम ऐसे आराम से, इसे एक एक करके निकालते रहें क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते बनते हैं। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो ये टूट जाएंगे। ये देखिए, मैंने इनको निकाल लिया एक छन्नी में, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो नीचे चला जाएगा। अब हम सेकंड वेज के लिए पहले गैस की फ्लेम थोड़ी सी कम कर देंगे और एक एक करके इसे भी डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे कोफ्ते तैयार हो रहे हैं और ये अपने आप ही ब्राउन होते हैं तो ऊपर आ जाते हैं, कितने लाइट वेट बन रहे हैं। और इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ब्रेड और पनीर से बना रहे हैं। कोफ्ते हम पहले से बना के तैयार करके रख सकते हैं, जब भी हमारा सब्जी की ज़रूरत हो तब इसे बना सकते हैं।
अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आए तो इस तरह से पहले से तैयारी करके रख दें तो जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और सॉफ्ट भी बहुत हैं। इन्हें भी हम एक छन्नी की मदद से एक एक करके निकाल देंगे। बहुत ही अच्छा कलर बनकर आया है। इसी तरह बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने एक चम्मच घी का डाल दिया, एक चम्मच जीरे का डाल दिया। इसे एक मिनट तक हल्का ब्राउन होने दिया। उसके बाद ये मैंने एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्ची डाल दी। इन्हें भी हल्का सा रोस्ट किया। 3 से 4 कली मैंने लहसुन की डाल दी। अगर आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो। 1 से 1.5 इंच हमने अदरक का टुकड़े को छोटे पीसीस में करके डाल दिया। 4 से 5 प्याज को मैंने लंबे स्लाइस में काट के डाल दिया। इसे हमें रफली ही काटना है क्योंकि हम इसे बाद में बीट कर लेंगे, तो इसका कैसे भी पीसीस बना सकते हैं। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने के बाद इसमें हमने 1 मुट्ठी भर के काजू को डाल दिया। काजू मेरे पास टुकड़े वाले हैं तो मैंने वो डाल दिए। 2 हरी मिर्ची को डाल दी हमने। 2 मिनट भुनने के बाद इसमें 2 टमाटर को रफली चॉप करके डाल दिया। अब इसे हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसमें हम 2 चम्मच पानी डाल देंगे और ढककर लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रख देंगे। बीच में हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डालें। बाद में सब्जी में भी हमने ऐड करना है। टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है। इसे और ज़्यादा नहीं पकाना। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया। इसे ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डाल के इसे हमने पीस लिया। अब इसे हम और अच्छी सी ग्रेवी बनाने के लिए इसे छान लेंगे। छानने से इसमें जो भी थोड़ी सी कोई रह गया होगा वो भी निकल जाएगा और बहुत ही मुलायम सी ग्रेवी बनकर तैयार होगी ऐसा करने से। आप नहीं छानना चाहते तो इस तरह से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है। ये देखिए हमने छान लिया। इसमें से जो भी थोड़ा सा बचा है उसे निकाल दिया हमने। अब उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा घी डाला, 1 चम्मच ही। उसे अच्छे से गर्म किया हमने। 1/2 इंच हींग डाल दी घी के गर्म होते ही। अब इसमें और कुछ नहीं डालना, बस हमारी जो प्याज टमाटर वाली पेस्ट है उसे डाल देंगे हम। और इसमें खूब सारा पानी होता है तो इसकी छींटे बहुत पड़ते हैं। इसे थोड़ी सी गैस की फ्लेम हमने कम कर दी और इसे ढक दिया ताकि इसके छींटे बाहर ना आए। गैस की फ्लेम को कम ही रखें, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। बीच बीच में से चेक करते रहें तो फिर से इसे ढक देंगे। 8 से 10 मिनट लग जाएंगे इस तरह से इसे चलाने में। 10 मिनट के बाद हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे, जैसे स्वाद अनुसार नमक डाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डाला, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हो तो इसमें रेड मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हो। मैंने इसमें पहले से काली मिर्ची और हरी मिर्ची डाल दी थी तो ये बहुत ज़्यादा तीखा ना हो जाए, इसलिए मैंने कम ही रखा। इसे ढककर 5 मिनट तक लो फ्लेम पे रखेंगे और हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। अब इसमें हम थोड़ी सी मलाई डालेंगे। ये मेरी फ्रेश मलाई है, इसे मैंने चम्मच से थोड़ा सा बीट कर लिया था। आप चाहें तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मलाई से भी बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है। इसे अच्छे से हम गैस की फ्लेम कम करके मिक्स कर लेंगे। और ये ग्रेवी थोड़ी सी थिक है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप ग्रेवी जितना इसे पतली या थिक रखना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाल दिया है।
देखिए अभी भी थोड़ी सी थिक लग रही है, बाद में ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगी। इसे ढककर 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि अच्छे से बॉयल आ जाए। हमारी ग्रेवी में अच्छे से बॉयल आ गया है, ग्रेवी बनकर तैयार है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अभी इसे हम सर्व करेंगे। कोफ्ते हम पहले नहीं डालेंगे, अगर पहले डाल देंगे तो बीच में ही घुल जाएंगे, क्योंकि कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जब भी खाना हो इसे तभी सर्व करें। ग्रेवी को मैंने सर्विंग बाउल में डाल दिया। अब इसमें हम जितने चाहिए उतने कोफ्ते डाल सकते हैं। मैं सारे नहीं ऐड कर रही क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। कोफ्ते इसे फ्रिज में रख सकते हैं, अगले दिन भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ग्रेवी बनाओ और इसे डाल दो। हमारे साथ ही में सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट सी कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हमारे, और देखने में भी बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और जो मैंने पनीर को बचा के रखा था उसे थोड़ा सा ऊपर से कद्दूकस कर देंगे तो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। आप चाहे तो इसमें ऊपर से क्रीम भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी लगती है देखने में। ये देखिए हमारी टेस्टी सी कोफ्ता की सब्जी बनकर तैयार होगी। आप सबको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? इसे चपाती पराठा, लच्छा पराठा या फिर राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और सॉफ्ट कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हमारे। ये देखिए हम चम्मच से तोड़कर दिखाते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। तो आप भी इस तरह से बनाएं और एंजॉय करें। मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।